So dear students, today our topic is opening files and directories. You may double click a file or folder to open it. A folder opens in the same Nautilus window, replacing the current display of the content pane with the contents of that folder. When you double click a file, Ubuntu tries to find out the most appropriate program for opening it, launches that program and tells it to open the file. If it cannot find the suitable program, it display a dialog box as shown in figure 8.7. तो आप फाइल या फोल्डर को ओपन करने के लिए जब डबल क्लिक करते हैं तो फोल्डर उसी नॉटिल्स विंडो में ओपन होता है और वो करंट डिस्प्ले हुए कंटेंट पेन को उस फोल्डर की कंटेंट के साथ रिप्लेस भी कर देता है। और जब आप किसी फाइल को डबल क्लिक करते हैं तो उबंटू उसको ओपन करने के लिए सही प्रोग्राम को फाइंड करता है और उस प्रोग्राम को लॉन्च करता है और उसे फाइल खोलने को कहता है। और अगर कोई योग्य प्रोग्राम नहीं फाइंड होता है तो फिगर 8.7 में दर्शाए अनुसार डायलॉग बॉक्स वो आपको डिस्प्ले करता है। सी दिस इज फिगर 8.7 एरर मैसेज। ओके, कोई प्रोग्राम अगर उसे फाइंड नहीं होता है तो वो इस तरीके का एरर मैसेज आपको सेंड करता है। You may select the application to be used for opening the file or just click OK. In which case, the attempt to open the file will be aborted. Right-clicking on the file gives us an option to open the file with associated program as well as an option to open the file with an application of our choosing. See figure 8.8. तो अगर आप फाइल खोलने के लिए ओपन करने के लिए एप्लीकेशन को चूज़ करते हैं या फिर ओके पर क्लिक करते हैं तो ऐसा करने से जो आपने ट्राई किया है वो क्या हो जाएगा, रद्द हो जाएगा। फाइल पर राइट क्लिकिंग करने से प्रोग्राम से संबंधित फाइल ओपन करने का आपको विकल्प मिलता है और साथ ही साथ आप अपनी मनपसंद एप्लीकेशन के साथ फाइल ओपन करने का भी आपको मौका मिलता है। तो सी दिस इज फिगर 8.8 ओपन विद डायलॉग बॉक्स। Among the common file types, text files open in a gedit text editor, openoffice.org files open in their respective openoffice.org application, image files open in the iof gnome application, music file open with Rhythmbox music player and video file open with the Totem movie player. We shall discuss this program in coming section. तो जो सामान्य फाइल प्रकार में से टेक्स्ट फाइल जी एडिट टेक्स्ट एडिटर में ओपन होती है, ओपन ऑफिस ओआरजी फाइल उनसे संबंधित ओपन ऑफिस डॉट ओआरजी एप्लीकेशन में ओपन होती है, उसी तरह इमेज फाइल्स होती है जो पिक्चर्स फाइल होती है वो जीनोम एप्लीकेशन की आँख में खुलती है और म्यूज़िक फाइल रिदम बॉक्स म्यूज़िक प्लेयर में और वीडियो फाइल टोटेम मूवी प्लेयर में ओपन होती है। Once we have opened multiple folders, the back button in the Nautilus file browser become enabled. We may use this button to go back to the previous folder. Once we go back, the forward button become enabled. This button can be used to return to the folder from where we went back. We may also use the up button to open the parent directory of the current directory. Just above the content pane, you can see a list of directories that need to be traversed to reach the current directory from the root directory. You may click on any of these directories to directly open it. Even after you open a parent directory, Nautilus try to retain the child directories in this list in case you may want to visit them again. तो एक बार multiple फोल्डर ओपन करने के बाद नॉटिल्स फाइल ब्राउज़र में बैक बटन संभव हो जाता है और हम पिछले फोल्डर पर जाने के लिए ये बटन का यूज़ भी कर सकते हैं और एक बार पीछे जाने के बाद फॉरवर्ड बटन संभव होता है और इस बटन का यूज़ करके हम जहाँ वापस गए थे उस फोल्डर में जाने के लिए ये बटन का हम यूज़ कर सकते हैं और अप बटन का यूज़ करके हम करंट डायरेक्टरी की पेरेंट डायरेक्टरी ओपन कर सकते हैं और कंटेंट पैन के ठीक ऊपर आप डायरेक्टरी की एक लिस्ट देखेंगे जो रूट डायरेक्टरी से
करंट डायरेक्टरी तक पहुंचने में हमारी हेल्प करती है। और इसको सीधा ओपन करने के लिए इनमें से आप किसी पर भी क्लिक कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक इज डिफरेंट व्यूज इन नॉटिल्स। वी शैल यूज द टर्म फाइल सिस्टम ऑब्जेक्ट इन दिस सेक्शन टू मीन अ फाइल और अ डायरेक्टरी। नॉटिल्स ऑफिसर्स दैट थ्री डिफरेंट वे टू लुक एट द लिस्ट ऑफ फाइल्स एंड डायरेक्टरीज इन द करंट डायरेक्टरी। दिस आर द आइकॉन व्यू, द लिस्ट व्यू एंड द कॉम्पैक्ट व्यू। द व्यू कैन बी सिलेक्टेड बाय यूजिंग द व्यू सिलेक्शन टूल नियर द राइट हैंड साइड ऑफ द टूल बार और द शॉर्टकट की Ctrl+1, Ctrl+2 एंड Ctrl+3 कैन बी यूज्ड। तो ये सेक्शन में एक फाइल या फिर एक डायरेक्टरी के लिए फाइल सिस्टम ऑब्जेक्ट वर्ड का यूज़ किया जाता है और करंट डायरेक्टरी में फाइल और डायरेक्टरी की लिस्ट को नोटिस तीन अलग अलग तरीकों से देखता है। और ये आइकॉन व्यू, लिस्ट व्यू और कॉम्पैक्ट व्यू है। कौन से है? आइकॉन व्यू, लिस्ट व्यू एंड कॉम्पैक्ट व्यू। और इस बार के राइट और के पास के व्यू सिलेक्शन टूल का यूज़ करके व्यू का चूज किया जा सकता है और या फिर शॉर्टकट की जैसे कि Ctrl+1, Ctrl+2 और Ctrl+3 का भी हम यूज़ कर सकते हैं। इन द आइकॉन व्यू ईच ऑब्जेक्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय एन आइकॉन एंड इट्स नेम। फॉर मैनी टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स द आइकॉन में इवन प्रोवाइड अ थंबनेल ऑल्सो। द आइकॉन आर अरेंज्ड इन अ ग्रिड फॉर्म। In the compact view, the objects are represented by very small icon and name and are arranged in a vertical list. In the list view also, the objects are represented by a small icon and name and arranged in a vertical list. However, the list view also displays several others detail about the objects like its size, type and the date when the object was last modified. In this view, we may sort the objects in the ascending or descending order of any of the display column by clicking once or twice on the column heading. This is very useful to find, say, the largest file or the latest file. In the list view, there is a plus icon just before a folder. Clicking this icon display the content of the folder as well. At the same time, turning the plus icon into a minus icon. Clicking on the minus means उसे क्या कहते हैं? Collapse icon hides the contents of the folder. तो icon view में प्रत्येक object को एक icon और उसके नाम से क्या किया जाता है? Represent किया जाता है. और कई प्रकार के objects के लिए icon एक thumbnail का भी वहाँ पर अवेलेबल किया जाता है। आइकन ग्रिड फॉर्म में होता है और कॉम्पैक्ट व्यू में ऑब्जेक्ट को बहुत छोटे छोटे आइकन और नाम से रिप्रेजेंट किया जाता है और ऊपर की सूची के रूप में रखा जाता है। लिस्ट व्यू में भी ऑब्जेक्ट को एक छोटा आइकन और नाम से रिप्रेजेंट किया जाता है और लिस्ट व्यू में भी ऑब्जेक्ट की कुछ जानकारी जैसे कि इंफॉर्मेशन, उसकी साइज, प्रकार, डेट, जब उसे पिछली बार मॉडिफाई किया गया था उसको भी डिस्प्ले करता है। और इस व्यू में हम ऑब्जेक्ट्स को किसी भी डिस्प्ले कॉलम में एसेंडिंग या फिर डिसेंडिंग कॉलम हेडिंग को एक या दो बार क्लिक करके अरेंज कर सकते हैं और यह एक बड़ी फाइल को या फिर लेटेस्ट फाइल को ढूंढने के लिए भी उपयोगी होता है। लिस्ट व्यू में फोल्डर के ठीक सामने ये जो प्लस साइन है ओके, उसे हम क्या कहते हैं? एक्सपांड आइकॉन है ओके, प्लस साइन है और इस आइकन को क्लिक करने से वो फोल्डर कंटेंट को डिस्प्ले करता है और एक्सपांड आइकन को कॉलेप्स आइकन में चेंज कर देता है और कॉलेप्स आइकन पर क्लिक करने से वो फोल्डर के कंटेंट को छुपा देता है, हाइड कर देता है। नेक्स्ट इज क्रिएटिंग फाइल्स एंड डायरेक्टरीज। अ डायरेक्टरी कैन बी क्रिएटेड इनसाइड द करंट डायरेक्टरी बाय आइदर सिलेक्टिंग द ऑप्शन Create folder from the file menu or by selecting the same option from the context menu. One may also use the keyboard shortcut Shift+Ctrl+N
While a new file can also be created in a similar way using the Create Document option. That option is only useful for creating plain text file. The common way of creating a new file is to use the corresponding software application. For example, a new OpenOffice.org text document can be created using the software's writer program. A new image file can be created using the GIMP image editor. तो यहाँ पर ये टॉपिक में क्या है, क्रिएटिंग फाइल्स एंड डायरेक्टरी, कोई भी फाइल और डायरेक्टरी को हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो जो करंट वर्तमान डायरेक्टरी में एक डायरेक्टरी फाइल मेनू के विकल्प कौन सा ऑप्शन है, यहाँ पर क्रिएट फोल्डर, उसको सिलेक्ट करके बनाई जा सकती है, या फिर कॉन्टेक्स्ट मेनू में से भी वही विकल्प चूज करके हम फाइल बना सकते हैं। और कोई कीबोर्ड की शॉर्टकट की है शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस एन, उसका भी हम यूज़ कर सकते हैं फाइल्स और डायरेक्टरी को क्रिएट करने के लिए। और जबकि नई फाइल उसी तरह से क्रिएट डॉक्यूमेंट का ऑप्शन चूज़ करके भी क्रिएट की जा सकती है, और ये ऑप्शन सिर्फ प्लेन टेक्स्ट फाइल क्रिएट करने के लिए ही उपयोगी होता है। प्लेन टेक्स्ट मीन्स कोरी, उसमें कुछ लिखा नहीं होता है, सिर्फ उसी के लिए। और यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी दिया है कि एक नया OpenOffice.org टेक्स्ट डॉक्यूमेंट सॉफ्टवेयर के राइटर प्रोग्राम को यूज़ करके किया जा सकता है। और एक नई इमेज फाइल कौन सी है, GIMP इमेज एडिटर का यूज़ करके भी क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज सिलेक्टिंग फाइल्स एंड डायरेक्टरीज। एन ऑब्जेक्ट कैन बी सिलेक्टेड बाय सिंगल क्लिकिंग ऑन इट। मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स कैन बी सिलेक्टेड बाय सिंगल क्लिकिंग दैम while holding down the control key. A range of objects can be selected by selecting one end of the range and single clicking the other end while holding down the shift key. Our selection may include only files, only directories, or a mix of both as well. The context menu on a single selection can be invoked by right clicking the selected object. In case of multi-selection, right-clicking on any one of the selected objects will invoke a context menu applicable to a selected objects. तो फाइल और डायरेक्टरी को चूज करना, तो इस पर सिंगल क्लिक करके ऑब्जेक्ट जो होते हैं उससे हम चूज कर सकते हैं, या फिर कंट्रोल की को प्रेस करके रख कर सिंगल क्लिकिंग करने से मल्टीपल ऑब्जेक्ट को भी हम चूज कर सकते हैं, और शिफ्ट की को प्रेस करके किसी रेंज के एक सिरे को सिलेक्ट करके दूसरे सिरे पर क्लिक करने से ऑब्जेक्ट की रेंज को भी हम चूज़ कर सकते हैं, और हमारे सिलेक्शन में ओनली फाइल्स, डायरेक्टरीज, या फिर हम दोनों भी चूज़ कर सकते हैं, फाइल भी और डायरेक्टरीज भी। नेक्स्ट इज डिलीटिंग फाइल्स एंड डायरेक्टरीज। आफ्टर सिलेक्टिंग वन और मोर फाइल्स और डायरेक्टरीज, प्रेसिंग द डिलीट की ऑन द कीबोर्ड विल डिलीट the selected object. Deleting a folder deletes its entire content, including subfolders, if any as well. Normally a deleted object is not physically removed from the system. It is simply moved to trash folder, thus giving the user one more chance to recover it if they deleted the object unintentionally. There is no easy way to recover an object once it has been removed from trash folder also. One may also use the move to trash context menu option to delete the move objects to trash. तो files और directories को हम delete कैसे कर सकते हैं, तो एक या फिर ज़्यादा फाइलों को या फिर directories का choose करने के बाद keyboard पर जो delete की होती है उसे press करने से जो selected file और directories है वो delete हो जाती है, और किसी भी folder को delete करने से उसके अंदर जो कंटेंट होता है वो सब फोल्डर के साथ डिलीट हो जाता है, और डिलीट किया गया ऑब्जेक्ट सिस्टम में से फिजिकली हटाया नहीं जाता है, और ये केवल ट्रैश फोल्डर में ही सेंड किया जाता है। और इस प्रकार अगर यूज़र ने अनजाने में डिलीट किया हो कोई भी फाइल या फिर फोल्डर या फिर कोई भी डायरेक्टरी, तो उसे और एक मौका नसीब होता है। तो कोई मूव टू ट्रैश कॉन्टेक्स्ट ऑप्शन का यूज़ करके भी ऑब्जेक्ट को डिलीट कर सकता है, या फिर ट्रैश की तरफ उसे सेंड कर सकता है। इसका मीनिंग होता है कि जब हम कोई भी फाइल, फोल्डर या फिर
तो डायरेक्टरीज डिलीट करते हैं तो उसके अंदर का सारा डेटा डिलीट हो जाता है, पर अगर कोई भी यूज़र ने अनजाने में उसको डिलीट किया होता है तो वो सारा जो डेटा होता है वो मूव टू ट्रैश फोल्डर में सेव होता है, तो हम वहाँ से भी उसे फिर से रिकवर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज रीनेमिंग फाइल्स एंड डायरेक्टरीज। फाइल और डायरेक्टरी से उसको फिर से रीनेम कैसे दें। टू चेंज द नेम ऑफ एन ऑब्जेक्ट सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट एंड सिलेक्ट रीनेम फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट मेनू और यूज द शॉर्टकट की F2, देन टाइप अ न्यू नेम एंड प्रेस एंटर। इन केस यू प्रेस एस्केप इन प्लेस ऑफ एंटर द रीनेम ऑपरेशन विल बी कैंसल्ड। ओनली वन ऑब्जेक्ट कैन बी रीनेम एट अ टाइम। तो ऑब्जेक्ट का नाम चेंज करने के लिए ऑब्जेक्ट को पहले तो क्या करना पड़ेगा, आपको उसे चूज़ करना पड़ेगा और कॉन्टेक्स्ट मेनू में से नया नाम भी आपको चूज़ करना पड़ेगा, या फिर की F2 का आप यूज़ कर सकते हो उसके लिए, ये शॉर्टकट की है। उसके बाद नाम टाइप करना होगा और उसके बाद आपको एंटर की प्रेस करनी होगी, और अगर आप एंटर की के बदले एस्केप की प्रेस करते हैं तो आपने जो रीनेम देने का जो ऑपरेशन था आपका वो कैंसिल हो जाएगा और एक समय पर ओनली एक ही ऑब्जेक्ट का फिर से रीनेम हो सकता है। नेक्स्ट इज कॉपी पेस्ट ऑपरेशन। द एक्स विंडो सिस्टम मेंटेन्स अ कॉमन क्लिपबोर्ड। द क्लिपबोर्ड इज कैपेबल ऑफ होल्डिंग वन ऑब्जेक्ट एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम। इरिस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज एनी एक्स विंडो सॉफ्टवेयर में कॉपी और प्लेस एन ऑब्जेक्ट ऑन द क्लिपबोर्ड सिंस द क्लिपबोर्ड कैन होल्ड only one object at a time. When another object is copied to the clipboard, the previous object is automatically removed from there. Any X window program can paste or pick up this object from the clipboard. When a program pastes an object, it receives a copy of the object. While the copy on the clipboard remains there and the original object remains in place. Thus, a copied object may be pasted multiple times. इस टाइम अ न्यू कॉपी ऑफ द ऑब्जेक्ट गेट्स क्रिएटेड। तो एक्स विंडो सिस्टम में एक सामान्य क्या होता है, क्लिपबोर्ड होता है, और क्लिपबोर्ड में ऑब्जेक्ट की साइज को ध्यान में लिए बिना एक समय में एक ही ऑब्जेक्ट का समावेश होता है, वही सिर्फ इंक्लूड किया जाता है, और कोई भी एक्स विंडो सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्ट का क्लिपबोर्ड पर कॉपी या फिर पेस्ट कर सकता है। जैसे कि क्लिपबोर्ड पर एक समय में केवल एक ही ऑब्जेक्ट को समा सकता है, और जब दूसरा ऑब्जेक्ट क्लिपबोर्ड में कॉपी किया जाता है तो पहला जो ऑब्जेक्ट होता है वो डिलीट हो जाता है, और कोई भी एक्स विंडो प्रोग्राम और इस ऑब्जेक्ट को क्लिपबोर्ड से पेस्ट या फिर पिकअप कर सकता है। जब प्रोग्राम ऑब्जेक्ट को पेस्ट करता है तो उसे ऑब्जेक्ट की कॉपी मिलती है, और जबकि क्लिपबोर्ड पर रही कॉपी वही रहती है और असल ऑब्जेक्ट अपने स्थान में रहता है। तो इस प्रकार कॉपी किया गया ऑब्जेक्ट मल्टीपल टाइम पेस्ट किया जा सकता है और हर बार ऑब्जेक्ट की नई कॉपी तैयार होती है, हम क्रिएट उसे कर सकते हैं। इन नॉटिल्स आफ्टर सिलेक्टिंग वन और मोर ऑब्जेक्ट्स वी मे कॉपी देम आइदर फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट मेनू आइटम कॉपी और बाय प्रेसिंग द शॉर्टकट की Ctrl+C। ये कॉपी करने की शॉर्टकट की है Ctrl+C। द ऑब्जेक्ट कैन बी पेस्ट इन एनी फोल्डर बाई राइट क्लिकिंग इन एन एम्प्टी एरिया एंड सिलेक्टिंग द पेस्ट ऑप्शन। इन लिस्ट व्यू वन में राइट क्लिक ऑन द डायरेक्टरीज नेम जस्ट अबव द कॉन्टेक्ट कंटेंट पेन एंड सिलेक्ट द ऑप्शन पेस्ट इन टू फोल्डर। अल्टरनेटिवली Ctrl+V कैन ऑल्सो बी यूज टू पेस्ट द कंटेंट्स। तो नोटिस में एक या फिर ज़्यादा ऑब्जेक्ट का चूज़ करने के बाद हमें उन्हें या तो कॉन्टेक्स्ट मेनू आइटम में कॉपी में से कॉपी कर सकते हैं, या फिर शॉर्टकट की कौन सी बताई मैंने, कॉपी करने की Ctrl+C, उसको हम प्रेस कर सकते हैं, और ऑब्जेक्ट को किसी भी फोल्डर में पेस्ट ऑप्शन का चूज़ करके एक एम्प्टी एरिया में राइट क्लिकिंग से पेस्ट किया जाता है, और लिस्ट व्यू में कंटेंट पेन के ऊपर आए निर्देशिका के नाम पर राइट क्लिक करके विकल्प पेस्ट इनटू फोल्डर का चूज़ करके उसे पेस्ट किया जाता है, और पेस्ट करने की शॉर्टकट की है Ctrl+V। ऑब्जेक्ट कॉपीड फ्रॉम अ फोल्डर कैन बी पेस्टेड इन द सेम फोल्डर ऑल्सो। दिस विल रिजल्ट इन देयर कॉपीज बीइंग जनरेटेड इन द सेम फोल्डर विथ नेम्स सफिक्स विद द टैग्स
because there cannot be two objects with the same name in the same directory. Repeating this operation multiple times result in name ending in another copy, third copy, fourth copy and so on. तो फोल्डर में से कॉपी किए बिना ऑब्जेक्ट को उसी फोल्डर में भी पेस्ट किया जा सकता है और उसी फोल्डर में बनी कॉपियों पर टेक्स्ट नाम लिखा होता है, क्योंकि निर्देशिका जो डायरेक्टरी है उनमें एक ही नाम के दो ऑब्जेक्ट्स नहीं हो सकते हैं। कई बार ये ऑपरेशन रिपीट करने से जो यहाँ पर अभी दिए हैं नाम उनमें क्या होते हैं, परिमाणित होते हैं। कौन से है वो? अनदर कॉपी, थर्ड कॉपी एंड फोर्थ कॉपी। द कॉपी पेस्ट ऑपरेशन इज यूज टू कीप वन कॉपी ऑफ द ऑब्जेक्ट एट द ओरिजिनल लोकेशन वाइल क्रिएटिंग अनदर कॉपी ऑफ देम एट द पेस्ट साइट। व्हेन बोथ लोकेशन आर सेम द ऑब्जेक्ट गेट डुप्लीकेटेड इन द सेम डायरेक्टरी। कॉपी पेस्टिंग अ डायरेक्टरी रिजल्ट्स इन इट्स एंटायर कंटेंट्स गेटिंग कॉपी। तो कॉपी पेस्ट ऑपरेशन का यूज़ ऑब्जेक्ट की एक कॉपी और उसके जो मेन उसकी प्लेस है पर जबकि दूसरी कॉपी पेस्ट साइट पर क्रिएट करने के लिए होती है, और जब दोनों की लोकेशन सेम होती है, एक ही होती है, तो ऑब्जेक्ट उसी डायरेक्टरी में डुप्लीकेट हो जाते हैं। नेक्स्ट इज कट पेस्ट ऑपरेशन। वाइल कॉपी पेस्ट ऑपरेशन इज यूज टू क्रिएट कॉपीज ऑफ द ऑब्जेक्ट वाइल रिटेनिंग द ओरिजिनल ऑब्जेक्ट एट देयर ओरिजिनल लोकेशन। कट पेस्ट ऑपरेशन इज यूज टू रिमूव ऑब्जेक्ट फ्रॉम देयर ओरिजिनल लोकेशन एंड प्लेस देम इन द न्यू लोकेशन। एनी एक्स विंडो सॉफ्टवेयर में कट एन ऑब्जेक्ट टू प्लेस इट ऑन द क्लिप बोर्ड। एट दिस पॉइंट द ऑब्जेक्ट इज नॉट रिमूव फ्रॉम द ओरिजिनल लोकेशन इफ द यूजर डज नॉट प्लेस द कट ऑब्जेक्ट एनीवेयर एंड क्लोजेज द सेशन ऑफ प्लेस अनदर ऑब्जेक्ट ऑन द क्लिप बोर्ड देयर बाय रिमूविंग द फर्स्ट ऑब्जेक्ट देन द कट ऑपरेशन हैज नो इफेक्ट। हावेवर इट इफ आफ्टर द कट ऑपरेशन एनी एक्स विंडो सॉफ्टवेयर परफॉर्म्स अ पेस्ट ऑपरेशन एल्सवेयर द ऑब्जेक्ट इज रिमूव फ्रॉम इट्स ओरिजिनल लोकेशन एंड प्लेस एट द न्यू लोकेशन। थस विथ कट पेस्ट देयर इज ऑलवेज ओनली वन कॉपी ऑफ द ऑब्जेक्ट। द कट पेस्ट ऑपरेशन एसेंशियली मूव्स ऑब्जेक्ट अराउंड कटिंग एंड देन पेस्टिंग इन द सेम लोकेशन हैज नो इफेक्ट। वंस द कट ऑब्जेक्ट इज पेस्टेड द क्लिप बोर्ड बिकम एम्प्टी एंड द पेस्ट ऑपरेशन कैन नॉट बी यूज अगेन अंटिल सम ऑब्जेक्ट इज प्लेस ऑन द क्लिप बोर्ड। कट पेस्टिंग अ डायरेक्टरी मूव्स द डायरेक्टरी विथ ऑल ऑफ इट्स कंटेंट्स। इन नोटिस आफ्टर सिलेक्टिंग वन और मोर ऑब्जेक्ट्स वी मे कट देम आइदर फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट मेनू आइटम कट और बाय प्रेसिंग शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस एक्स। द ऑब्जेक्ट्स कैन बी पेस्टेड इन एनी फोल्डर एज डिस्क्राइब अर्लियर। तो कॉपी पेस्ट का यूज़ करके ऑब्जेक्ट की कॉपी क्रिएट करने के लिए उसका हम यूज़ करते हैं और ऑब्जेक्ट को उनकी जो मेन लोकेशन है उस पर रिटेन करने में उसका यूज़ होता है। कट पेस्ट ऑपरेशन का यूज़ ऑब्जेक्ट को उनके मूल लोकेशन से स्थानांतरित कराकर नए लोकेशन में स्थापित करने के लिए होता है। कोई भी एक्स विंडो सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्ट को कट करके क्लिपबोर्ड पर रख सकते हैं और ये स्थान पर, ये प्लेस पर ऑब्जेक्ट को उसके मेन लोकेशन से विस्थापित नहीं किया जाता है। और अगर यूज़र कट किए गए ऑब्जेक्ट को कहीं पेस्ट नहीं करता है तो सेशन बंद कर देता है या क्लिपबोर्ड पर पहले ऑब्जेक्ट को हटाकर दूसरे ऑब्जेक्ट को रखता है, तो कट ऑपरेशन का कोई भी असर नहीं होता है। तो कोई भी प्रोग्राम या फिर कोई भी आइटम हम जब कट करते हैं तो उसे पेस्ट हमें करना पड़ता है। अगर आप चाहते हो उसे पेस्ट करना है तो तुरंत उसे कट के बाद पेस्ट कर सकते हैं, और कट के बाद अगर पेस्ट नहीं किया और दूसरा कोई भी ऑब्जेक्ट आपने स्टार्ट किया तो आपने जो कट का ऑपरेशन स्टार्ट किया था वो कुछ भी उसके असर नहीं होती है। और यदि कट ऑपरेशन के बाद कोई एक्स विंडो सॉफ्टवेयर पेस्ट ऑपरेशन कहाँ और परफॉर्म करता है, ऑब्जेक्ट मूल लोकेशन से विस्थापित होकर नए स्थान पर विस्थापित हो जाता है और इस प्रकार कट पेस्ट से ऑब्जेक्ट की केवल एक ही कॉपी होती है और कट पेस्ट ऑपरेशन अवश्य ऑब्जेक्ट को मूव करते हैं। नोटिस में एक या ज़्यादा ऑब्जेक्ट को चूज़ करके हम उन्हें या तो फिर कॉन्टेक्स्ट मेनू आइटम कट में से कट कर सकते हैं और उसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस एक्स। ये कट की शॉर्टकट की है और पहले बताए गए अनुसार ऑब्जेक्ट को किसी भी फोल्डर में पेस्ट किया जा सकता है।
Next is the drag and drop operation. Like the terminal, we may open multiple notice window. When we want to move some file system object from an open folder in one window to an open folder in another, we may arrange the windows so that both are visible at the same time and then drag the object from the first window and drop them on the second. Holding the control key while performing drag and drop will copy the object. तो टर्मिनल की तरह हम मल्टीपल नोटिस विंडोज़ को भी ओपन कर सकते हैं, और जब हम फाइल सिस्टम ऑब्जेक्ट को एक विंडो के ओपन फोल्डर से दूसरे विंडो के ओपन फोल्डर में ले जाना चाहते हैं तो हम विंडोज़ को इस तरह से अरेंज करेंगे जैसे दोनों एक साथ दिखाई दें, और तब ऑब्जेक्ट को पहली विंडो से ड्रैग करके दूसरी तरफ हम ड्रॉप करेंगे। तो कंट्रोल की को होल्ड करने से ड्रैग और ड्रॉप है वो परफॉर्म करते समय ऑब्जेक्ट कॉपी हो जाते हैं। Next topic is bookmarks and searching. If you use some folder frequently, you may find the cumbersome to reach the folder starting from one of the built-in places. In such situation, you may open the folder once and select the option bookmark, add bookmark. This will add the folder permanently to site pane as a bookmark. Now you can open the folder very easily, simply by clicking on the bookmark. The bookmark is added to the place menu too, so it can be selected from there also. And if you feel the side pane is occupying unnecessary space in the window, you may close it using it close button. The view menu has an option to show hide the side pane. Notice also has the option to search for a file directory in the currently open directory. Just click go search for files and enter a part of the name of the file you are looking for. तो इफ आप किसी भी फोल्डर का बार बार यूज़ करते हैं तो आप बिल्ट इन प्लेसेस में से स्टार्ट होने वाले फोल्डर तक पहुँचने की क्रिया को भार रूप महसूस करेंगे। ऐसी स्थिति में आप एक बार फोल्डर को ओपन करके विकल्प बुकमार्क, उसके बाद एड बुकमार्क उसका यूज़ करते हो, उसके चूज़ करते हो, और ये फोल्डर स्थायी रूप से साइट पेन में बुकमार्क की तरह आपको जोड़ देता है। आप बुकमार्क पर क्लिक करके आसानी से फोल्डर ओपन कर सकते हो, और बुकमार्क प्लेसेस मेनू से भी जुड़ जाता है, इसलिए उसका वहाँ से भी चूज़ हो सकता है। और यदि आपको लगता है कि साइट पेन विंडो में अननेसेसरी जगह रोक रहा है तो आप क्लोज बटन का उपयोग करके उसे क्या करते हो, बंद कर सकते हो। और व्यू मेनू में साइड पेन को शो या फिर हाइड करने का भी एक ऑप्शन होता है। तो नोटिस में फाइल या फिर डायरेक्टरी को करंट में खुली हुई डायरेक्टरी में से सर्च करने का ऑप्शन होता है, और सिर्फ गो सर्च फॉर फाइल्स पर क्लिक करें और जिस फाइल को आप ढूंढ रहे हैं उसका नाम आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, हियर आवर पार्ट टू इज़ कम्प्लीटेड एंड पार्ट थ्री वी विल सी इन आवर नेक्स्ट वीडियो। सो यू हैव टू वॉच एंड लिसन दिस वीडियो वेरी carefully.